पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता, देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो काफे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। मेरे दोस्त के पापा ना साइंटिस्ट है, उन्होंने बनाया इसे। पर किस लिए बनाया है? घर का काम करने के लिए। घर का काम करने के लिए? Really? अरे मजबूर मतलब? गौरव की चाची ने मेरे सारे सिस्टम ओवरलोड कर दिए थे, मुझे लगा यहाँ और थोड़ी देर रुकूंगा तो मेरे सारे सर्किट फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वहाँ से भाग निकला। ये क्या है मैम? ये रोबोट है मैम, रोबोट है। इस बेचारे के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम इसके लिए स्टाफ रूम खोल दो, ये वहीं पर रहेगा। कल रात को इसकी बात फिमांचो से हुई थी। क्या? फिमांचो से? वो पूछ रहा था कि जूनियर जी को खत्म किया या नहीं। हेलो, आई एम राखी। हेलो राखी। और अब आगे। डरो मत, के एलआर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चोट कहां लगी? इसे तो हेयरलाइन फ्रैक्चर है। ओह नो! ये रो क्यों रहा है? अरे अंकल, इसकी टांग टूटे, ये रोएगा नहीं तो क्या करेगा? अभी इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल? क्यों? अरे बाबा, प्लास्टर चढ़ाने के लिए। अब तो इस बेचारे को 2-3 हफ्ते बिस्तर में लेटे लेटे बिताने पड़ेंगे। और तब तक ये खेल भी नहीं पाएगा। लेकिन ये सब क्यों होगा? अरे भाई, टांग टूटी है, इलाज तो करवाना पड़ेगा ना। इसका इलाज तो 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ 5 मिनट में? क्या 5 मिनट? वो कैसे? मेजर रेस से। मेजर रेस? ये लेजर रेस तो सुना है, लेकिन ये मेजर रेस क्या होता है? ये सन 2114 की तकनीक है, ये देखो। अब खड़े हो जाओ। क्या? खड़ा हो जाऊं? कैसे खड़ा हो जाऊं? मेरा पैर दर्द कर रहा है। हाय, मर गया रे। कोशिश तो करो। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं। क्या मेरा पांव ठीक हो गया?
चलो चलो हो गया ना, सब जाओ जाओ अपनी क्लासरूम में जाओ, निकलो जल्दी निकलो, जाओ जाओ जल्दी जाओ केला, जल्दी चलो चलो जो बताया था सब याद है ना? हाँ याद है। ठीक है, फिमांचो से वैसा ही कहना। अच्छा। ये लो, मैं फिमांचो बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ सुन रहा हूँ फिमांचो। कल तुम्हें क्या हो गया था? मेरे कुछ सर्किट्स डैमेज हो गए थे फिमांचो, मैंने उसे रिपेयर करवा लिए हैं। ठीक है, मगर तुम्हारा मिशन अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? ग्रेट फिमांचो, ये लड़का जूनियर जी बहुत शक्तिशाली और चालाक भी है, मैं अकेला उससे निपट नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता? पास्ट में गया था तो मुझे सिम्बाबा नाम का आपका सिपाही मिला था, मुझे लगा कि बहुत ही वीर और साहसी है, अगर आप उसे यहाँ बुला सकें तो मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर इस मिशन को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, मैं उसे भेज दूंगा, मगर उसका यज्ञ पूरा होने में अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, वो उसके बाद ही आ पाएगा। ठीक है ग्रेट फिमांचो, जैसा आप ठीक समझे, मैं तब तक इंतजार करूंगा। ठीक है, ओवर एंड आउट। तो ठीक है, जैसे ही सिम्बाबा आ जाए तो हम सब मिलकर उससे निपट लेंगे, क्यों? यस। एक एला, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि फुटबॉल खेलना मेरे प्रोग्रामिंग में नहीं है। तो क्या हुआ, कोशिश तो करो। आई एम सॉरी। एक और इसे बोलना खेलने के लिए। तो सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो आओ खेलो, जब ये समझ जाएंगे कि तुम्हें खेलना नहीं आता अपने आप मान जाएंगे। ठीक है, लाओ फुटबॉल। यस, कम ऑन केएलआर, कम ऑन केएलआर, कम ऑन केएलआर, मारो केएलआर। अब क्या होगा? मैं तो तुम्हें पहले कहा था इसे मत खिलाओ, तब मेरे किसी ने सुनी ही नहीं। तुम ही तो कह रहे थे इसे खिलाओ खिलाओ। अबे भैंस छोड़ो और ये बता दूसरी बार कहाँ से आएगी? मुझे क्या पता, जिसने घुमाया उसी से पूछो। गॉड, फुटबॉल के यहाँ गिरने से इतना बड़ा गड्ढा बन गया है। थैंक गॉड, हम सब यहाँ नहीं गड़े थे, वरना हमारा क्या होता। अब इसे खिलाने की कोशिश मत करना। सवाल नहीं उठता। ए भाई, तुम्हें क्यों ही खेलने की जरूरत है? थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं अमर हो गया,
अब मुझे मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हो गया। जय बुराई की शक्तियां, जय बुराई की शक्तियां। जय शैतान। ग्रेट फेमांचो। जिम्बावा, क्या तुम्हारा मिशन पूरा हो गया? हाँ ग्रेट फेमांचो, मेरा यज्ञ अभी अभी पूरा हो गया है। बधाई हो। अब तुम अमर हो गए हो, मगर इसी के साथ समय आ गया है कि तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करो। आदेश दीजिए ग्रेट फेमांचो। तुम्हें भविष्य में जाना होगा। भविष्य में? मगर मैं वहाँ कैसे जाऊंगा? वहाँ तुम्हें हम भेजेंगे, और जहाँ हम तुम्हें भेजेंगे वहाँ तुम्हें केएलआर मिलेगा। तुम्हें उसके साथ मिलकर हमारे शत्रु जूनियर जी को समाप्त करना है। ये काम तो पलक झपकते ही हो जाएगा ग्रेट फेमांचो। इस काम को इतना आसान मत समझो। जूनियर जी कोई मामूली इंसान नहीं है। तो सिम बाबा भी कोई मामूली इंसान नहीं है ग्रेट फेमांचो। आप मुझे वहां भेजिए, फिर तमाशा देखिए। ठीक है, तो फिर तुम जाओ सन 2004 में। हेलो केएलआर। हेलो एवरीबॉडी। केएलआर, तुम्हें याद है कि नहीं, सिम बाबा का यज्ञ आज पूरा होगा, यानी आज वो यहाँ आने वाला होगा। सब कुछ याद है। तो फिर जब वो यहाँ आए तो उसे मिलने के लिए कन्हेरी गुफा में बुलाना। ठीक है, वहीं बुलाऊंगा, लेकिन वहां खास बात क्या है? वहां मैंने एक ऐसा फोर्स फील्ड बनाया है कि जब सिम बाबा वहां पहुंचेगा तो उसकी सारी शक्तियां बेकार हो जाएगी, और फिर हम लोग उसे किसी चीज में हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। क्योंकि उसे मारा तो जा नहीं सकता। और क्या, यज्ञ पूरा होने के बाद वो तो अमर हो चुका होगा। तो ये है सन 2004। बहुत आनंद आएगा। आनंद। परम आनंद, परम आनंद। पर मैं पहले अपना काम कर लूं। केएलआर, केएलआर, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? लगता है फिर से कोई सिग्नल आ रहा है। क्या फिर से फेमांचो का कॉल है? देखता हूं कौन। मैं सिम बाबा। सिम बाबा? हाँ, अब मैं तुमसे कैसे मिलूं? तुम कानेरी गुफाओं के पास के खाली मैदान पर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूं। ये कौन सी जगह है और मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? किसी से भी रास्ता पूछ लेना, पहुंच जाओगे। ठीक है। क्या हुआ? सिम बाबा यहां पहुंच चुका है। गुड, आने दो उसे, हम चारों उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। Yeah! आनंद, मस्ती, परम मस्ती।
यहाँ तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। ये कौन सा जीव है? ये कौन सा जानवर है? ये कौन सा जीव है? क्या ये क्या चीज है मालूम ही नहीं पड़ता? ये क्या चीज है? लगता है उसी जाति की कोई चीज लगती है। छू कर देखता हूं। अरे देखो यार मेरी गाड़ी को लेके यार पगल तो ए पगला चोर ए चोर इधर क्या करूं क्या करूं? चलो भागता हूँ। सर सर वो लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? सर वो लोग शोर मचा रहे हैं, पर तू क्यों शोर मचा रहा है यार? तू खाना यार, वो लोग तो चिल्ला रहे हैं चोर 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 चोर। अगर वो लोग चिल्ला रहे हैं तो वहाँ पे चोर होगा ना सर? होना तो चाहिए, पर तुझे इससे क्या मतलब? तू खाना यार, क्या टेस्टी बना है, वाह वाह। तो हमें पकड़ना चाहिए। पकड़े? हम क्यों पकड़े भाई? सर हम पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले हैं? क्या बात कर रहा है? अरे अरे हम तो सच्ची पुलिस वाले हैं। पहले गिरी बता। सॉरी सर। क्या बेवकूफ? हाँ सर, एकदम धारा सिंह जैसे लगता है यार, लेकिन मेरे से थोड़ा काम। ठीक कहा सर आपने,
इसलिए उसको पुलिस में भर्ती होना चाहिए था। यही तो मैं भी कह रहा था, लेकिन आज ही उसको पकड़ा है ना। आज अगर उससे कुछ बात करेंगे तो भड़क जाएगा। हम लोग कल उससे बात करेंगे, ठीक है? लेकिन बात क्या करेंगे? हे भगवान, लगता है मैं फिर कुछ भूल गया। चलिए सर। चलो 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 चलो। अरे बाप रे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। केलर, सिम बाबा की कोई खबर? सिम बाबा की कल से कोई खबर नहीं है। केलर, केलर, केलर। बोलो सिम बाबा। कुछ पापियों ने मुझे पकड़कर बंद कर दिया है, मुझे यहां से छुड़ाओ। बंद कर दिया है? कहां पर? कैसी जगह पर हो तुम? जगह? ये तो एक छोटी सी कोठरी है, इसमें एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, सरियों वाला। ओ, जिन लोगों ने तुम्हें कैद किया वो क्या एक ही जैसी वर्दियां पहने हुए थे? हाँ। तो फिर वो लोग पापी नहीं, पुलिस ऑफिसर्स होंगे। क्या होंगे? खैर वो जो भी हो, तुम मुझे यहां से छुड़ाओ। अगर मैं अभी तुम्हें वहां से छुड़ाऊंगा तो पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा और तुम जो काम करने आए हो वो करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सब्र करो, मैं जल्द ही तुम्हें छुड़ा लूंगा, मगर सही मौका देखकर। तुम कहते हो तो ठीक है। क्या हुआ? सिम बाबा हवालात में है। क्या? सिम बाबा हवालात में है? ये तो बहुत खतरनाक बात है। कहीं वो पुलिस वालों को तुम्हारे बारे में कुछ बताना दे। वो इतना कमजोर नहीं है। आई होप सो। पर मैं तो कुछ और सोच रही थी। अगर वो हवालात में है तो फिर ये तो अच्छा मौका है, हम लोग उसे वही दबोच लेंगे। नहीं, हम हवालात में से थोड़ी कुछ कर सकते हैं। केएलआर, वो जैसे ही छूटेगा तुम्हें कांटेक्ट करेगा, तब तुम उसे कनेरी गुफा के पास बुला लेना, ठीक है? बाकी सब काम हमारा। कितनी देर में आएगा ये सिम बाबा? मैं सिम बाबा आ गया हूँ। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।